तो बात कुछ ऐसी है कि कल से जेयू में होने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट, और मैं पहली बार कॉलेज जाने वाला हूँ टू अटेंड सम क्लासेस इन माय सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ऑलमोस्ट आफ्टर 2.5 ईयर्स आई एम गोना अटेंड सम क्लास फ्रॉम द क्लास। सो लेट्स गो। नाउ वर्किंग अप इन द मॉर्निंग इट सेल्फ वॉज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि जेई के बाद से हार्डली कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मैं 12-1 बजे से पहले सो के उठाऊँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल इस टाइप का हो गया है कि मैं 6 बजे या फिर 7 बजे सोने जाता हूँ। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है आफ्टर जॉगिंग एंड टेकिंग ब्रेकफास्ट मैं सोने जाता हूँ। तो एज यूजल आई वॉज रनिंग लेट। So it took me around 20 minutes to reach my college and around 5 minutes to find out our IT building. The classrooms were good, not as bad as expected, and then I attend the whole class. Well, at least tried to. इतने दिनों बाद ऑफलाइन क्लास करके आई हैव रियलाइज समथिंग दैट इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, एंड आई एम रियली ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। देन वी वेंट टू द कैंटीन टू हैव अवर लंच। वहाँ पे अपने लंच करने के बाद हमने सोचा कॉलेज का पहला ही दिन है तो क्यों ना किया जाए क्लास बंक। मैं जेयू का जादवपुर कैंपस में तो बहुत बार जा चुका हूँ, बट सॉल्ट लेक कैंपस में मैं सिर्फ सेकेंड टाइम जा रहा था। इसके पहले सिर्फ एक ही बार गया था, वो भी किसी काम से, तो मैं पूरा कैंपस एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो सॉल्ट लेक कैंपस इज नॉट दैट बिग लाइक जादवपुर कैंपस, एंड इट्स ऑल्सो नॉट दैट हैपनिंग। मुझे पता नहीं बाद में क्या होगा, बट अभी के लिए कैंपस वॉज लाइक रियली डेड। द बेस्ट थिंग अबाउट द कैंपस इज ऑब्वियसली द ग्राउंड। मैंने बहुत कुछ सुन रखा है इस ग्राउंड के बारे में, बट इट्स अ ट्रीट टू वॉच इट। और बहुत सारा टाइम हमने ग्राउंड के सामने स्पेंड किया। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। यहाँ पे रणजी भी खेला जाता है, एंड जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तब भी मैं एक बार आया था इसको देखने। सो इट्स रियली अ ग्रेट ग्राउंड। एक और चीज़ जो सॉल्ट लेक कैंपस के बारे में मुझे काफ़ी सही लगता है वो है ये आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग रॉक। तो इसके बाद हम वहीं पर गए एंड थोड़ा सा चिल किया, टाइम बिताया। बहुत कुछ ज़्यादा सेफ्टी तो था नहीं, तो चढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं पाए, ऐसे ही थोड़ी देर वहाँ पे बैठे। एंड उसके बाद फाइनली हम फिर से चले आए कैंटीन पे। द कैंटीन वॉज हाइजेनिक, द फूड क्वालिटी वॉज डिसेंट, बट द प्राइस वॉज वेरी लो, सो इट्स अ गुड प्लेस इन द कैंपस टू टेक केयर ऑफ योर हंगर। एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग सम मोर टाइम एंड प्लेइंग फ्यू गेम्स वी लेफ्ट द कैंपस। आफ्टर कमिंग होम फाइनली आई स्टडीड फॉर अ व्हाइल। And it was a good day, really nice interacting with my classmates and seniors. Now I do regret कि बहुत सारा time हमने online की वजह से गवा दिया है, but I really hope कि आने वाले time में I will get to live a college life like a college life. बाकी टाटा।